नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए भाजपा ने की कवायद तेज, 3 सीटों पर की प्रत्याशियों की घोषणा। गणेश चतुर्थी को लेकर उप महापौर ने किया मोती डूंगरी गणेश मंदिर का दौरा, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। RCA के मैदान पर होगा सोशल कप क्रिकेट लीग, रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ करेगा आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में 13 सितंबर को 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। अब केवल सूरजगढ़ सीट पर दोनों पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होनी बाकी है। भाजपा की ओर से घोषित प्रत्याशियों में से 2 चेहरे तो एकदम नए हैं। भाजपा ने भरतपुर की वह सीट पर पूर्व सांसद गंगाराम कोली को उतारा है, जबकि नसीराबाद की प्रतिष्ठापूर्ण सीट पर सरिता गैना पर भरोसा किया है। वहीं कोटा दक्षिण सीट पर संदीप शर्मा को टिकट देकर मैदान में उतारा गया है। विधानसभा के आम चुनाव के करीब 8 महीने बाद हो रहे इन चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जोर लगाकर अपने पक्ष में करना चाह रहे हैं। उधर भाजपा ने टिकट वितरण के बाद सूबे की 4 सीट जीतने का दावा करते हुए उपचुनाव फतह करने का दावा किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश नाथ भट्ट ने नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा करने के सवाल पर कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ऐसे में चुनाव पूरी पार्टी ही मिलकर लड़ती है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को दर्शन के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके मद्देनजर उप महापौर मनीष पारिक एवं सफाई समिति अध्यक्ष रोशन सैनी ने आज मंदिर के सामने व आसपास की सफाई व्यवस्था, रोड लाइट एवं अतिक्रमण आदि के हालात का जायजा लिया। पारिक एवं सैनी के पहुंचने से पहले ही निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी आवश्यक संसाधनों यथा JCB, डंपर और लोडर व सफाई कर्मियों को लेकर पहुंच गए। वे मुस्तैदी से कचरे के ढेर उठाते हुए सड़कों व नालियों की सफाई करते नजर आए। पारिक ने कहा कि निगम द्वारा प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर, ब्रह्मपुरी स्थित गढ़ गणेश मंदिर सफाई व लाइट आदि की व्यवस्था की जाती है। इस बार भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर निगम की ओर से अस्थायी रोशनी व सफाई के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों व संसाधनों की कमी आड़े आ रही है, लेकिन फिर भी यथासंभव पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। मंदिर क्षेत्र एवं शोभा यात्रा वाले मार्गों पर पेड़ों की छटाई की जा रही है, विद्युत के झूलते तारों को ठीक किया जा रहा है, मुख्य दरवाजों व सरगा सूली पर सजावटी रोशनी की विशेष व्यवस्था की जा रही है। गणेश चतुर्थी के दिन 5 मोबाइल टॉयलेट जिनमें 2 मोती डूंगरी रोड, 2 JLN मार्ग एवं 1 तख्तेशाही रोड पर तैनात रहेंगे। मुस्लिम मुसाफिर खाना एवं खरबूजा मंडी में दोनों तरफ से अस्थायी अतिक्रमण हटाने और फुटपाथ की मरम्मत करवाने व सड़क का पेच वर्क करवाने के निर्देश उन्होंने अधिशासी अभियंता महेश शर्मा को दिए। इसके बाद पारिक व श्री सैनी अधिकारियों के साथ सांगानेरी गेट पहुंचे व महिला चिकित्सालय के सामने थड़ी ठेले वालों को हटाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त मोती डूंगरी जोन आशीष कुमार, आयुक्त सावल मल मीना, सतर्कता निरीक्षक दिनेश शर्मा सहित सतर्कता शाखा के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। सफाई व्यवस्था और जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, फुटपाथ मरम्मत, सड़क का रेलिंग लगाने का, इस सब का काम निरीक्षण किया है और अभी तक काम सेटिस्फैक्ट्री है। जो भी इस MB जोन के दौरे पर आज मैं और सफाई समिति के अध्यक्ष व्यवस्था का निरीक्षण करने निकले थे, हमारे साथ कमिश्नर, इंजीनियर और यहाँ के अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और CSI वगैरह सब हैं। और मुझे लगता है कि जो गणेश चतुर्थी के पहले पहले ये सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी और सफाई व्यवस्था चाक चौबंद है। आज सांगानेरी गेट तक हमने दौरा किया है, उसके बाद कल दूसरे जोन में माने हवा महल ईस्ट में ऐसा दौरा करेंगे और परसों हवा महल वेस्ट में सुबह निरीक्षण पे जाएंगे। मुझे लगता है कि लगातार निरीक्षण करते रहने से जो सफाई समिति के हमारे अध्यक्ष हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं और ऐसे में कुछ जगह नहीं आड़े आ रही है, कुछ जगह संसाधनों की कमी है, लेकिन इन्होंने जैसे तैसे मैनेज किया है
और कमिश्नर और सीएसआई और डॉक्टर जो है स्वास्थ्य अधिकारी, उन्होंने पूरी मेहनत के साथ पूरा प्लान बनाकर सफाई व्यवस्था को अंजाम दिया है और मुझे लगता है कि इस बारे में सफाई व्यवस्था में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। ये इंक्रोचमेंट तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश से ही हट गए हैं और जो भी नई व्यवस्था रेलिंग लगाकर उसके ऊपर शेड लगाने की बात की है उसको भी अमल में लाया जा रहा है, तो मुझे लगता है इस बार से वो समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जो यात्रियों की सुविधा के लिए जो प्रसाद और माला की व्यवस्था है उसके बारे में भी हमने कहा है कि वो यात्रियों का सुविधा ना हो और उनको सही समय पर सही स्थान पर प्रसाद और माला भी उपलब्ध रह सके, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ की ओर से जयपुर के आरसी मैदान पर जयपुर सोशल कप क्रिकेट लीग 2014 का आयोजन किया जाएगा। 5 से 6 अक्टूबर तक खेली जाने वाली इस क्रिकेट लीग के सभी मैचेस T20 फॉर्मेट पर खेले जाएंगे। रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ की ओर से पहली बार खेली जा रही इस क्रिकेट लीग के आयोजन समिति से जुड़े रोटरियन सोमेंद्र शर्मा ने कहा कि लीग खासतौर से चैरिटी इकट्ठा करने के लिए की जा रही है। लीग से आई चैरिटी राशि को अशिक्षित बच्चों और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के काम में लिया जाएगा। गुलाब कौशल्य चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित इस लीग में सामाजिक संस्थाओं की 32 टीमें भाग लेंगी। ये क्रिकेट लीग 31 दिन चलेगी और इसमें कुल 64 मैच खेले जाएंगे। जयपुर के और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी टीम होंगी, राजस्थान के जो प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है उनकी टीमें हैं, जयपुर कब जय क्लब, जैम एंड ज्वेलरी एसोसिएशन, इस तरह के जो और संस्थाएं हैं उनकी टीमें टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। यूं तो रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ ने राष्ट्रीय युवा चेतना परिषद के साथ मिलकर के पहले भी 4 जयपुर कप का आयोजन चौगान स्टेडियम में कराया है और जिसमें 64 से लेकर के 90 टीमों तक ने भाग लिया है। पिछले 2 टूर्नामेंट जयपुर कप के नाम से एक विराटनगर में एक पावटा में हुआ जिसमें 125 टीमों ने भाग लिया था। इस बार इसका स्वरूप और कलेवर बदल के इसको जयपुर सोशल कप का हमने नाम दिया है, वो इसलिए कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और चैरिटी का काम करें। हमें बड़ा कहते हुए गर्व है, प्रसन्नता का भी अनुभव हो रहा है कि हमें बहुत उत्साह मिल के द्वारा इसमें रिस्पॉन्स मिला है सारे संस्थाओं के द्वारा। 5 सितंबर से ये जो टूर्नामेंट चालू होगा ये 31 दिन तक चलेगा, इसमें 32 टीमें भाग लेंगी, 64 इसमें मैचेस होंगे और 480 इसमें खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें जो विजेता टीम होगी उसको हम लोग 75,000 रुपये का नगद पुरस्कार देंगे, जो उप विजेता होगी उसको 40,000 रुपये और जो तृतीय स्थान पर टीम रहेगी उसको हम 25,000 रुपये का नाम देंगे। इसके अलावा प्रत्येक मैच में जो मैन ऑफ द मैच रहेंगे उनको और टूर्नामेंट के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे चाहे वो बॉलर हों चाहे बैट्समैन हों चाहे फील्डर हों चाहे विकेटकीपर हों या ऑलराउंडर हों उन लोगों को हमारी तरफ से अच्छे और आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। यह एक खेल के साथ साथ सोशल कैंपेन है, लिटरेसी को हमने इसके साथ जोड़ा है। रोटरी इंटरनेशनल ने पूरे भारत में आगामी 3 वर्षों का एक लक्ष्य दिया है कि आप भारत में जो इलिटरेसी है निरक्षरता है उसको खत्म करके और लिटरेसी कायम करें, उस 3 साल के लक्ष्य को लेकर के हम काम करना प्रारंभ कर रहे हैं और हमारे सहयोगियों की एक अच्छी मजबूत टीम है, उसमें शिक्षाविद भी हैं तो उसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और कॉरपोरेट के औद्योगिक जगत के लोग भी हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इस टीम के द्वारा आप लोगों के सहयोग से इस टूर्नामेंट का जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया, लक्ष्य निर्धारित किया है चैरिटी का, साक्षरता का, उसको हम हासिल कर पाएंगे। वहीं सोमेंद्र शर्मा ने कहा कि रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ की ओर से SMS अस्पताल के मुख्य द्वार पर 4 दशक पूर्व बनी जीर्ण जर्जरित प्याऊ का पूर्ण निर्माण भी करवाया जा रहा है जिसमें करीब 8 लाख रुपए की लागत आएगी। रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ SMS के कैंसर वार्ड में डे केयर सेंटर संचालित कर रहा है, उसी कड़ी में SMS के मुख्य द्वार पर 40 साल पहले बनी हुई एक प्याऊ है जिसके जीर्णोद्धार की जरूरत थी लेकिन हम उसका पूरा नवनिर्माण करवा रहे हैं। इसमें लगभग 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आएगा और वह पूरा व्यय रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ के सदस्य उठा रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांगानेर इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति की जहरीली वस्तु खाने से मौत हो गई। वहीं विराट नगर के अटेला में रहने वाले एक किशोर ने सेल्फोस की गोलियां खा ली, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सांगानेर में रहने वाले बाबूलाल सैनी के घर पर अज्ञात वस्तु खाने से तबीयत बिगड़ने पर उसे SMS में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। वहीं दूसरी ओर विराट नगर में रहने वाले 16 वर्षीय सोनू ने अज्ञात कारणों के चलते सोमवार शाम सेल्फोस की गोलियां खा ली। सोनू के पिता महेश शर्मा उसे SMS लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया, शव मुर्दाघर में रखा। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। राजधानी के महेश नगर थाना इलाके में शादी का झांसा देकर युवती से 2 साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में युवती ने आरोपी पर गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार करतारपुरा निवासी पीड़िता ने मामला दर्ज कराया है कि करीब 3 साल पहले उसकी मुलाकात सुरेंद्र गठाला नाम के युवक से हुई। आरोपी सुरेंद्र ने धीरे धीरे पीड़िता से दोस्ती गांठ ली और फिर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद 2 जनवरी 2012 को शादी का झांसा देकर पीड़िता के कमरे में ही उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। इसके बाद आरोपी कभी पीड़िता के कमरे में, कभी स्वयं के कमरे में, तो कभी होटलों में ले जाकर उसकी आबरू से खेलता रहा। इसी दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई, जिस पर आरोपी ने जून 2013 में उसका गर्भपात करवा दिया और फिर शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर पीड़िता ने इस्तगासे के जरिए महेश नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। प्रदेश के सबसे बड़े शिशु चिकित्सा संस्थान जेकेलॉन अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं जल्द ही शुरू हो जाएगी। अस्पताल परिसर में बने सुपर स्पेशलिटी भवन और वार्ड बनकर लगभग तैयार है। इस भवन में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का संचालन जल्द शुरू किए जाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने मंगलवार को एक मीटिंग की। इस बैठक में PWD से जुड़े अधिकारी और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं से जुड़े विशेषज्ञ भी मौजूद थे। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर SD शर्मा ने बताया कि सुपर स्पेशलिटी विंग का नया भवन बनकर तैयार है। उम्मीद है कि जल्द ही छोटे मोटे काम पूरे होते ही भवन को विधिवत हैंडओवर कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में SMS अस्पताल के अंतर्गत बने ट्रॉमेटोलॉजी विंग सहित कई भवनों का लोकार्पण कार्यक्रम जल्द ही बनने की संभावना है। जेकेलॉन अस्पताल प्रशासन की तैयारियों को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के नामांकन, संस्थाओं एवं शिक्षकों की संख्या, ढांचागत सुविधाओं आदि में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, परंतु शिक्षा की विसंगतियों के कारण शिक्षा की गुणवत्ता हाशिए पर चली गई है। शिक्षा के मानदंड गिर रहे हैं एवं नवीन ज्ञान के सृजन के दरवाजे लगभग बंद प्रतीत हो रहे हैं। पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री
प्रोफेसर जेपी सिंगल ने कहा कि शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीन एवं काम चलाओ नीति से शिक्षा के बाजारीकरण को प्रोत्साहन मिला है। वहीं शिक्षा को व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखने की प्रधानता आई है। सरकार के लचर नियमों का लाभ लेकर सैकड़ों विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय अस्तित्व में आए हैं, जो अल्प श्रम एवं अल्प पूंजी से पैसा एवं प्रतिष्ठा दोनों अर्जित कर रहे हैं। इन संस्थानों का सेवा समर्पण शुचिता ज्ञान विज्ञान और मूल्यों के संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। ये तो शुद्ध व्यवसायिक दृष्टि भारत के इस वर्तमान परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने एवं भारत की उच्च शिक्षा के औपनिवेशिक एवं अभिजात्य चरित्र को दूर करने के लिए एक सशक्त नीतिबद्ध ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रुकता एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा 13 एवं 14 सितंबर 2014 को उच्च शिक्षा में नियामक तंत्र पर राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं पूर्व कुलपति इस राष्ट्रीय परिसंवाद में 5 उप विषय रखे गए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम हमारे देश के अंतर्गत जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में एक नियामक तंत्र की आवश्यकता महसूस करते हैं और उस नियामक तंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम विशद विवेचन कर सकें, विचार मंथन कर सकें और विचार मंथन करने के बाद एक ऐसा नियामक तंत्र व्यवस्था का निरूपण कर सकें जिसको शासन को दे सकें, ताकि जो जर्जर व्यवस्था हमारे देश में उच्च शिक्षा की कही जा सकती है, उस शिक्षा के गुणवत्ता की दृष्टि से जो दूर दूर तक उसका संबंध नहीं कहा जा सकता है, हम उसको पूरा करने का प्रयत्न कर सकें। ये एक मोटा उद्देश्य है जो कि इस दो दिन की जो परिसंवाद है उसमें विचार मंथन के बाद शायद निष्कर्ष रूप में हमारे सामने आ सके। दो दिन में हमारे जैसे 500 देश के विद्वान लोगों के आने की संभावना है, जिसमें बहुत सारे कुलपति होंगे, बहुत सारे प्रोफेसर्स होंगे, बहुत सारे कुछ अन्य अलग अलग तरह के लोग हैं, जैसे विधि से संबंधित कुछ लोग हैं वो भी बुलाए गए हैं, ताकि उन सबका एक मिला जुला विचार विमर्श होने के बाद हम किसी एक अच्छे निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयत्न करें। उच्च शिक्षा के नियामक तंत्र का हमारा जो उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहले है कि क्या वास्तव में उच्च शिक्षा स्वायत्त है, हमारे राजनेताओं से, हमारे ब्यूरोक्रेसी से वो दूर है या नहीं है, पहली बात। हमारे उच्च शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था क्या है? आजकल बहुत सारी वित्तीय व्यवस्था में बहुत सारा हमको देखने को मिल रहा है कि वित्तीय व्यवस्था हमारे निजी लोग कर रहे हैं, और निजी लोग जब वित्तीय व्यवस्था करते हैं तो वो लाभ कमाने का काम करते हैं, शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको भूल जाते हैं। दूसरा, उसमें सुशासन का संचालन हम कर पा रहे हैं? संचालन में देखा गया कभी कभी सरकारें इतनी हावी हो जाती हैं कि सब कुछ संचालन का जो काम है, जिम्मेदारी है, अधिकार वो सरकार के पास हो जाता है। तो इस व्यवस्था के माध्यम से उस संचालन को पूरी तरीके से नियमित करना चाहते हैं कि किस तरह के लोग और किस तरीके से इस प्रकार का संचालन करेंगे। हम बार बार करते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, निजी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। हम उसके अगेंस्ट नहीं है, हम उसके विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि निजी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ होनी चाहिए कि निजी लोग जो भागीदारी करेंगे शिक्षा में, वो शिक्षा के उद्देश्य से दूर नहीं होंगे। पृथ्वीराज नगर के नियमन की घोषणा स्थानीय काश्तकार और भूखंडधारियों के साथ छलावा हुआ है। स्थानीय निवासियों ने 8 महीने पहले ही मुख्यमंत्री को अपनी बात कहने का प्रयास किया, परंतु एक बार भी मुख्यमंत्री ने इनकी नहीं सुनी और अनेक बार ज्ञापन दिया जिसका भी कोई जवाब नहीं दिया और प्रारूप को एक तरफा ही कर पृथ्वीराज नगर के नियमन की घोषणा कर दी। यह कहना है भारतीय किसान संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष महावीर शास्त्री का। शास्त्री ने बताया कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार यह भूमि सरकारी नहीं है। वर्तमान कानून के अनुसार जिस भूमि का मुआवजा प्रभावित पक्ष को नहीं दिया हो और कब्जा भी सरकार का न हो तो वह भूमि सरकारी नहीं मानी जा सकती। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों की मांग बिजली पानी उपलब्ध करवाने की थी, जो सरकार ने घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार ने पृथ्वीराज नगर के नियमन की प्रक्रिया में राजधर्म नहीं निभाया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जनहित में निर्णय लेकर पृथ्वीराज नगर के निवासियों का सामान्य दर से पट्टा देने और तुरंत प्रभाव से बिजली पानी का कनेक्शन जारी करने की मांग की है। पृथ्वीराज नगर के नियमन की प्रक्रिया को देखते हुए लग रहा है कि सरकार ने अपने जो सरकारी भूमिका या राजधर्म यानी जो अंतिम और पीड़ित व्यक्ति की बात को सुनकर के कोई निर्णय लिया जाना चाहिए था, वो निर्णय नहीं लिया और एक तरफा और
पैसा इकट्ठा करने की दृष्टि से लिया जो यहाँ के काश्तकार और भूखंडधार दोनों के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ के भूखंडधारियों की एक ही मांग थी कि बिजली पानी की तुरंत जो रोक है वो हटाई जाए और हमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। इसके बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। अभी भी सरकार की नीयत यह है कि डेवलपमेंट के नाम से या नियमन के नाम से पहले पैसा लें, उसके बाद बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। इस संबंध में सरकार को हमने पहले भी संदेश भिजवाया था कि यहाँ के संघर्षरत जन संगठन और प्रभावित पीड़ित किसान और काश्तकार है, उनकी बात को समझ करके इस नियमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। हमारी उसमें यही मांग थी कि ये भूमि वर्तमान कानून के तहत सरकारी नहीं है। उनके अनुसार विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 10 निर्णय आ चुके हैं। सभी निर्णयों में कहा कि 1 जनवरी 2014 के बाद जिस जमीन पर सरकारी कब्जा नहीं है या सरकार ने प्रभावित पक्ष को मुआवजा नहीं दिया है, उसको पहले के कानून के तहत सरकारी जमीन घोषित नहीं किया जा सकता। इसी श्रेणी में पृथ्वीराज नगर आता है और पृथ्वीराज नगर को आज सरकारी जमीन मानते हुए जो नियमन की प्रक्रिया की, ये वर्तमान कानून की अवहेलना है या रहने वाले लोगों के साथ अन्याय है और बिजली पानी जैसे मूलभूत मुद्दों की घोषणा नहीं करके पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए और इसकी जो 3 नियमन देता है कि सामान्य दर, काश्तकारों के लिए अलग से दर और सरकारी जमीन मानते हुए अधिकांश पृथ्वीराज नगर की अलग दरें, ये तीनों दरें वर्तमान सोसाइटी एक्ट के जो प्रावधान में दरें हैं उनका उल्लंघन है और उनके विरोध में है। इसलिए ये निर्णय कहीं स्वीकार्य नहीं। कल शाम से जब से ही इसका समाचार सुना है, स्थानीय स्तर पर इसका जन आक्रोश है। सुबह से अलग अलग गाँव में कमेटियां अपनी चर्चा कर रही हैं। स्थानीय स्तर पर तो इसका विरोध हो ही रहा है। एक बार शासन प्रशासन को अवगत करवाने के बाद न्यायालय और संघर्ष दोनों ही माध्यम से सरकार को यह एहसास करा दिया जाए कि आप अपने दरबारियों के माध्यम से, यानी आज के जो IAS अधिकारी हैं वो एक तरह से दरबारियों का काम कर रहे हैं, वो जन सामान्य की आवाज को शासन प्रशासन या मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा करके एक तरफा नोट शीट बना करके कैबिनेट में भेज देते हैं। वो शासन जिसकी जिम्मेदारी आम आदमी की बात सुनकर के स्वीकृति देनी चाहिए थी, वो उनको सुने बिना स्वीकृति दे देता है। तो ये जो एक जनहित के नाम से निर्णय किए जाने की भावना थी या हमें उम्मीद थी, उनके खिलाफ है। इसलिए इसका सभी पृथ्वीराज नगर वासियों की तरफ से, भारतीय किसान संघ और अन्य भूखंडधारी सभी इसका विरोध कर रहे हैं। राज परिवार के सदस्य देवराज सिंह ने वरिष्ठ फोटो पत्रकार सुरेंद्र जैन पारस की फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सूचना केंद्र में चल रही इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित फोटोज की देवराज सिंह ने सराहना की। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर प्रारंभ हुई प्रदर्शनी में समय समय पर क्लिक किए प्रकृति और ग्रामीण जीवन के फोटोग्राफ्स ने उन्हें खासा आकर्षित किया। गौरतलब है कि वरिष्ठ फोटो पत्रकार सुरेंद्र जैन पारस काफी वर्षों से फोटो पत्रकारिता के पेशे में हैं और बेस्ट फोटो जर्नलिस्ट सहित कई सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। इससे पूर्व 1995 और 2005 में भी पारस के फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनियां आयोजित की जा चुकी है। उत्कर्ष संस्था के तत्वाधान में आयोजित इस एकल प्रदर्शनी में पारस के ग्रामीण और शहरी जीवन के अलावा मॉन्यूमेंट्स, फ्लावर और आर्ट और कल्चर से जुड़े कई बेहतरीन फोटोग्राफ्स प्रदर्शित किए। सोमवार को समापन के अवसर पर 3 लकी ड्रॉ भी निकाले गए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए भाजपा ने की कवायद तेज, 3 सीटों पर की प्रत्याशियों की घोषणा। गणेश चतुर्थी को लेकर उप महापौर ने किया मोती डूंगरी गणेश मंदिर का दौरा, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और RCA के मैदान पर होगा सोशल कप क्रिकेट लीग, रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ करेगा आयोजन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all.
Share it with City Online. Best Greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं।